पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भगवान राम का गुणगान करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। भजन कीर्तन समूह में किया जाता है। भजन करने को तो व्यक्ति अकेले भी करता है, लेकिन जो समूह में किया जाता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। कथा बुद्धि विहार स्थित ब्रेड फैक्ट्री के सामने कथा स्थल पर चल रही है। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नील करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट और श्री राम कथा अमृत महोत्सव ट्रस्ट के तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है। रामकथा में पुरुष, महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में मौजूद रहे। रामकथा सुनकर पंडाल में मौजूद भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सामाजिक कार्य करते हैं उनको सदैव राम भजन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज जरूरत है तो राम भजन करें, जैसा कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति चुनाव आते ही मंदिर मस्जिद जाने लगते हैं। तो हम कथा किसको सुनावे, इसलिए आप सबके लिए प्रार्थना, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कथा अभी तक 9 दिन आए हों, आचरण का अब ये समय है। हम अपने जीवन में सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर पुर धरे अपने जीवन में ले आए। अयोध्या के नूतन निर्मित दिव्य भव्य मंदिर में विराजित राम लला का स्मरण करें, कनक भवन में बैठे हुए श्री सीताराम जी युगल सरकार का स्मरण करें, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी का स्मरण करें, काशी विश्वनाथ का स्मरण करें और मथुरा में प्रकट हुए श्री देवकी नंदन और यशोदा नंदन वृंदावन बिहारी का स्मरण करें। धन्य है हम सनातनी होने का गौरव लें, सनातन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करें, अपने बच्चों को भी दें और आने वाले दिनों में भारतवर्ष को और ऐसा मजबूत बना करके ऊपर उठाएं कि विश्व में जगत गुरु बन करके भारत पुनः भारत उभरे, जो कि वो उसका स्थान है। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। ठाकुर जी कभी आपको ले आए गुजरात तो द्वारकाधीश जी और सोमनाथ भगवान का दर्शन करने, और बीच में ही हम लोग हैं पोरबंदर में सुदामापुरी में, और वैसा ही भव्य मंदिर ठाकुर जी ने बनवाया है जैसा सोमनाथ का द्वारका का है। श्री हरि विराजमान है श्री हरि मंदिर में। ठाकुर जी कभी आपको ले आए आप सादर में, तो कथा के हिसाब से चाहे प्रवास में हों लेकिन भगवान श्री हरि तो वहाँ आपकी प्रतीक्षा करेगा। आइएगा, ठहरना चाहे ठहरिएगा, भोजन इत्यादि सब प्रसाद ठाकुर जी ने व्यवस्था करी है। हमारे बच्चे वेद घोष कर रहे हैं, वेद सीख रहे हैं, वो सब कुछ जो चल रहा है उसका दर्शन करिएगा। गौशाला में जाकर 300 गायें हैं हमारे पास छोटी बड़ी मिल करके, उसका दर्शन करिएगा। आप सबसे विदा ले रहा हूँ, बहुत आनंद आया। जो भी कुछ दोष इत्यादि न्यूनता रही हो तो 3 बार बोलें, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। यह संपूर्ण वाङ्मयी पूजा भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करें, कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। अमावस्या का पावन पर्व है जिसमें करोड़ों हिंदू गंगा सहित भारत की अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और शुद्ध अंतकरण से परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं।
पिछले 9 दिनों से चल रही श्री राम कथा अमृत महोत्सव की यात्रा आज इसी पावन तिथि में विराम को प्राप्त हुई है। इन 9 दिनों में संत शिरोमणि भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा राम कथा का अमृत महोत्सव में जिस प्रकार से श्री राम कथा के माध्यम से अमृत वर्षा की गई, उसने हमारे मन और बुद्धि को झकझोर कर रख दिया। यह 9 दिन तो पलक झपकते ही बीत गए, पता ही नहीं चला। वेद तत्व के परम ज्ञानी पूज्य भाई श्री द्वारा जिस प्रकार सरल भाषा में गूढ़ विषय का चित्रण किया गया तथा जिस प्रकार से सनातन संस्कृति में विकृति का रूप उत्पन्न होने वाली घटनाओं का को उसके सही अर्थ व परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, वह स्तुति करने योग्य है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।